अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने बनाया है आलू गोश्त। ये बड़ा ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो हम लोग आपको बताते हैं कि ये कैसे बनता है। तो दोस्तों, आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले आपको बताते हैं, ये 1 किलो मटन लिया है और इसको हमने अच्छे से धो के वॉश। सबसे पहले कुकर को रख लेते हैं चूल्हे पे, तेल डाल लेंगे। मैं इसमें 4 चम्मच तेल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए आपको जितना अच्छा। तो दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले डालेंगे गरम मसाले। तो गरम मसाले में हमने लिया है 2 बड़ी इलायची है, 1 चाय का चम्मच जीरा है, 2-4 लौंगे और 7-8 छोटी काली मिर्च है। चलिए इनको तेल में डाल लेते हैं और ये दो तीन तेज पत्ते हैं। ये हमारा मसाला थोड़ा भून चुका है, गरम मसाला जो डाले थे। अब इसमें डालेंगे, ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको दोनों को एक साथ डाल देंगे। प्याज को हल्का सा नरम होने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा नरम होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, हमारी प्याज और टमाटर लगभग नरम हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन है पिसा हुआ और 1 टीस्पून अदरक है। चलो इसको डाल के थोड़ा भून लेते हैं। ये अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो दोस्तों, हमारा अदरक लहसुन भी लगभग भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं मटन। मटन डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा गोश्त को थोड़ा हिला लेते हैं, मसाला एक साथ गोश्त को अच्छे से लिपट जाए। चलिए अब इसमें डाल देते हैं ये सूखे मसाले जो हमारे पास है। इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून चाय का चम्मच हल्दी और ये 2 से ढाई चाय का चम्मच लाल मिर्च है और 4 चाय के चम्मच टीस्पून सूखा हुआ धनिया है ऑर्डर किया हुआ। चलिए इसमें डाल देते हैं और डाल के इसको भी थोड़ा भून लेंगे गोश्त के साथ। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने लिया 1.5 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से लें जितना आपको अच्छा लगता है। तेल और नमक आप लोग अपने हिसाब से डाला करें, जितना आपकी मर्जी है। देखिए, लगभग हमारा मटन भुन चुका है अच्छे से, तेल वगैरह छोड़ दिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको एक उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसको हम लोग ढक्कन ढक के तकरीबन 4 सीटी लेंगे और 4 सीटी लेने के बाद उसको आधा घंटा रखेंगे स्लो आंच पे। तो दोस्तों, ये देखो हमारे मटन को उबाल आ चुका है, अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। गोश्त चेक करके देखते हैं गला है या नहीं। हाँ, ये गल चुका है एकदम। अब इसके अंदर आलू डाल के वापस से इसको पकने के लिए रखेंगे। तो अब इसके अंदर ये हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और ये थोड़ी कटी हुई मिर्चें है, ये एक साथ इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको आलूओं को और ये मिर्चियों को गोश्त के अंदर डाल के इसको 2 सीटी लेके बंद कर देंगे और फिर ये बन जाएगा। तो आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर। ये लगभग इसके अंदर ये आधा गिलास पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद एक उबाल आएगा तो इसको वापस से ढक के 2 सीटी ले लेंगे, फिर बाद में खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखते हैं हमारे आलू गले हैं कि नहीं।
चलो आलू चेक करते हैं। हाँ गल गए, देखो एकदम अच्छे से गल गए। चलो अभी इसको हम आपको एक डिश में निकाल के दिखाते हैं गार्निश करके। सॉरी दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाना भूल गए। इसको थोड़ा सा, ये जूरियन है हमारे पास अदरक का, ये अदरक का जूरियन डालेंगे इसके अंदर। ये 1 टीस्पून गरम मसाला है हमारे पास, ये गरम मसाला भी इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। चलिए डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए सालन कितना जबरदस्त बना है, आप लोग भी बनाएं, बना के ट्राई करें और हम लोगों को कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। कुछ कर थोड़ा जूरियन, अदरक का जूरियन इस पे भी डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे, इससे क्या अच्छा दिखेगा। तो भाइयों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें आप लोग बनाइए, और बना के टेस्ट करके हम लोग को कमेंट्स में बताओ। दिखने में तो अच्छी लग रही है। चलिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हो सके तो हम लोग को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।